बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th के बेहतरीन एमसीक्यू और उसको एकदम पोस्टमार्टम होगा आज। बढ़िया से एक एक वर्ड को मैं डिफाइन करूंगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पर खाली स्थान है, देन संस्कृत एंड पर्सियन। ध्यान दीजिए बच्चों, 100% दावा है। अगर आप वीडियो देखते 100% समझेंगे, दावा है, गारंटी है हमारा। ध्यान दो बच्चों, तो इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्सियन। ऑप्शन है ओल्डर, यंगर, एल्डर, ओल्डेस्ट। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ध्यान दो, इंग्लिश लैंग्वेज जो क्या है, संस्कृत से, पर्सियन से, मतलब क्या है, ओल्डर है पुराना है, यंगर है नया है, एल्डर है बड़ा है, और ओल्डेस्ट है सबसे पुराना है। देखिए बच्चों, मैं कहानी समझा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें दो तराजू पर रखे इंग्लिश का और संस्कृत पर्सियन को, तो जहां पर तराजू, जिसमें तराजू में संस्कृत होगा, पर्सियन होगा, उसकी तराजू भारी होगी, मतलब वो बड़ा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी हुए है, अंग्रेजी तो मात्र 5,000 वर्ष पुरानी है, संस्कृत हमारे लाखों वर्ष पुरानी है, ये देवताओं की भाषा है। संस्कृत हमारे देव भाषा है बच्चों, संस्कृत में हमारे भगवान गॉड कम्युनिकेट करते थे, वार्तालाप करते थे। ठीक है बच्चों, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत एंड पर्सियन। देखो बच्चों, अंग्रेजी लैंग्वेज यंगर है, क्या है, यंगर। आप बोलेंगे यंगर का मतलब बच्चों, देखिए इसका आंसर यंगर होगा। आप बोलेंगे सर यंगर का मतलब क्या, यंगर मतलब युवा, इंग्लिश युवा है, किससे, संस्कृत से और पर्सियन से, बात में समझे। यंगर मतलब युवा, यंगर मतलब क्या होता है, युवा, नया नया, मतलब जो 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 बाद में हुआ हो, जो छोटा हो, उसे बोलते यंगर। ओल्डर मतलब पुराना, जो ओल्ड हो, कहते ना ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना। पहले जमाने में ओल्ड फोन आते थे, याद करो घिराने वाला, ट्रिंग ट्रिंग 3, 4, 5, हेलो 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 हेलो, कॉल कट, आवाज नहीं, चलो आप क्या है, 4G, यंगर, वीडियो कॉल, 5G आने वाला है, ध्यान समझिए। तो ध्यान समझिए, यंगर, यंगर मतलब होता है युवा, यंगर मतलब युवा। तुम सभी क्या हो यहाँ पर, यंगर, क्या हो, यंगर, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई से, सभी लोग अपने भाई से यंगर है ना, अपने मम्मी पापा से यंगर है ना। ओल्डर कोई है यहाँ पर, कोई है ओल्डर, तुम है ओल्डर है, पापा से बड़ा है तुम है बड़ा नहीं ना, चलिए देखिए, अरे कहने का सेंस पॉजिटिव समझो, यंगर मतलब युवा। सर इंग्लिश भी युवा है संस्कृत से और पर्सियन से। तो बोलो मेरे सर, बोलिए इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, ज्यादा यंगर है देन संस्कृत एंड पर्शियन। यंगर याद, क्या करना, यंगर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो पहला सवाल क्या हो गया आपको, कंप्लीट, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत यंगर है, किससे, संस्कृत से और पर्शियन। अब बताओ, कंफ्यूजन कर गए, कौन बड़ा है, अच्छा बड़का कौन है, संस्कृत, संस्कृत है, छोटा कौन है, इंग्लिश, यंगर है, ओल्डर मतलब पुराना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का वेट कीजिए, बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से बताऊंगा, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए, बर्ट्रांड रसल क्या थे। ऑप्शन ए है पेंटर, जो पेंटिंग करता है, ड्रामाटिस्ट, जो नाटक करता है, नाटककार, मैथमेटिशियन, सिखाते हैं गणितज्ञ, क्या बोलते हैं बच्चों, गणितज्ञ, गणित का फॉर्मूला दे, गणित के फॉर्मूला को प्रूफ कर दे, जियोलॉजिस्ट, जो भूमि के अंदर में जो हलचल होते हैं उसको देखते हैं, वो है जियोलॉजिस्ट। जियो मतलब होता है लैंड, जियो मतलब क्या होता है, लैंड मीन्स जमीन, और लॉजिस्ट मतलब पढ़ने वाला, स्टडी करने वाला, लॉजिस्ट, जो धरती के अंदर क्या चीज घटना चल रहा है उसे बोलते हैं जियो
लॉजिस्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पेंटर पेंटिंग करने वाला, ड्रामाटिस्ट नाटककार, समवन हु परफॉर्म्स ड्रामा, जो ड्रामा परफॉर्म करे वो होते हैं ड्रामाटिस्ट, मैथमेटिशियन गणितज्ञ जो मैथमेटिक्स का नया नया फॉर्मूला दे, फॉर्मूला को प्रूफ करे, उसको रिलेशन को जोड़े, नए नए मैथ में प्रयोग करे, मतलब उसको थ्योरम निकाले, उसको सिद्ध करे, वो होते हैं मैथमेटिशियन, जो रिलेशन मैथ के डिफरेंट ब्रांच में जोड़े, मैथ को बढ़ाए, वो होते हैं मैथमेटिशियन। जियोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों, जियो मतलब देखिए, जियो मतलब लैंड, जियो मतलब लैंड, लॉजिस्ट मतलब होता है अध्ययन करने वाला, अध्ययन, हाँ अध्ययन करने वाला, करने वाला, ध्यान दो, जो जमीन का अध्ययन करता है ना उसे कहते हैं जियोलॉजिस्ट। बोलो जियो, बोलो जियो मतलब लैंड, जियो मतलब लैंड, लॉजिस्ट मतलब अध्ययन, जमीन के अंदर भूक, अच्छा जो लॉजिस्ट जो होते हैं वो पता करते हैं भूकंप कब आएगा, धरती के अंदर प्लेट जो हिल रहे हैं क्यों हिल रहे हैं, पानी कितना फीट के अंदर निकल जाएगा, तमाम चीजें जियोलॉजिस्ट होते हैं, कोयला कितने नीचे है, पेट्रोल कितने नीचे है, वो जियोलॉजिस्ट का काम होता है। किसका नाम होता है? जियोलॉजिस्ट। मैथमेटिशियन मैथ का पूरा फॉर्मूला से देने वाला, थ्योरम सब। चलिए ध्यान दें बच्चों, अब देखिए बटन असल क्या थे बच्चों, बटन असल कोई साधारण इंसान नहीं थे, महान इंसान में से एक थे, क्योंकि वो एक दो इंसान नहीं थे, वो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियन मतलब बच्चों इतिहासकार, जो इतिहास को लिखता हो, इतिहास पर भयंकर उसको मतलब उसको कमांड हो, इतिहास पर व्याख्याता हो, इतिहास की एकदम पूरा एक एक चीज उसने दिमाग पे कमांड कर लिया हो, वो होते हैं हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे वो होते हैं हिस्टोरियन, जैसे इतिहासकार, समझे बात, इतिहासकार कौन होते बताओ, जो अपने इतिहास में नया नया क्वेश्चन बनाए, इतिहासकार, ध्यान दीजिए इधर प्लीज समझिए, इतिहासकार ठीक है, हिस्टोरियन हो गया, तो हिस्टोरियन भी थे भाई, ये कमेंटेटर भी थे, कमेंटेटर जो कमेंटेटर होता है ना जी, जैसे कमेंट्री करता है क्रिकेट का, कमेंट्री देखियो कभी, ये लगा छक्का, ये लगा चौका, तो उसे कमेंट्री सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं होता है। अच्छा हम भी अभी कमेंट्री कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, कमेंट्री क्या चल रहा है अभी, कमेंट्री ही एक तरह का है समझे, रिकॉर्ड कमेंट्री थे बच्चों, कमेंटेटर थे, फिलोसोफर, फिलोसोफर दार्शनिक, फिलोसोफर मतलब क्या होता है बच्चों, दार्शनिक, जो फिलोसफी झाड़ता है, दार्शनिक मतलब देखो, जो देखो एक विलन विषय है फिलोसफी, क्या विषय है, फिलोसफी मतलब ध्यान समझिए, फिलोसफी एक विषय है, दर्शन शास्त्र, और जो उससे पढ़कर अपना नया एक फिलोसफी दे, एक नया दर्शन शास्त्र दे, अपना एक दर्शन दे, उसे कहते हैं बच्चों फिलोसोफर, दार्शनिक जो अच्छा अच्छा बात समाज के हित के लिए बोले। देखो बच्चों फिलोसफी एक ऐसा विषय है, माना जाता है कि फिलोसफी से ही सभी विषयों का उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुआ है फिलोसफी से ही, दर्शन शास्त्र से ही, और फिलोसफर होते हैं दार्शनिक, क्या होते हैं, दार्शनिक, जिसको फिलोसफी की अच्छी समझ होती है। देखो जो मैथमेटिशियन का अच्छा समझदार होता है, जिसको थ्योरम देने वाला होता है, जो प्रूफ करे, रिलेशन जोड़े, कोई आइडेंटिटीज होते हैं उनको जोड़ते हैं, वो होते हैं गणितज्ञ, हिस्टोरियन, जो इतिहास जो हिस्ट्री लिखने में कंट्रीब्यूशन दे, जो नया नया खोज कर दे, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड तो होते हैं हिस्टोरियन। फिलोसफर जो फिलोसफी का अच्छा जानकार हो बच्चों, तो फिलोसफर भी थे, ये कमेंटेटर भी थे। तो बच्चों इतना सारा, फिर से बताओ क्या क्या थे बताओ, वो क्या थे, हिस्टोरियन थे, बोलो हिस्टोरियन थे, फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स लिख दिया यार मैंने, मैथमेटिक्स माफ कीजिए यहाँ पर मैथमेटिक्स लिख दिया है, मैथमेटिशियन, मैथ मैथे, बोलो MATHICIAN, मैथमेटिशियन, यहाँ आप लोग सही कर रहे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ, सराया गणितज्ञ, इन्होंने मैथमेटिशियन भी दिया था, ठीक है, ये फिलोसफर भी थे और ये कमेंटेटर भी थे और हिस्टोरियन भी थे, समझे, इतने सारे
बीसवें प्रेम की प्रकांड मतलब अच्छा ये ब्रिटेन देश के थे, कौन देश के थे? ब्रिटेन देश। ध्यान करना इसको, ध्यान समझिए इसको, मिटा दूं रफ कर दे, ध्यान समझिए बच्चों। ये ना बर्तरा जो है वो ब्रिटेन देश, कौन देश के हैं? ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम। अच्छा इन्होंने एक फेमस बुक लिखा है जो 21वें सेकंड में पूछा भी गया है, इनका बुक है व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं। तो बच्चों याद करें ना इसको, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, बोलो व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, बोलो जोर से व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं, बोलो। ये क्या थे, रिविजन कर लीजिए, ये मैथमेटिशियन थे, हिस्टोरियन थे, कमेंटेटर थे, फिलोसोफर थे, और कौन देश से थे? ब्रिटेन। इसका ट्रिक, बी फॉर बर्तरान, बी फॉर ब्रिटेन, बी फॉर बर्तरान, बी फॉर ब्रिटेन, बर्तरान असल है ना। और ये हमारे व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। अच्छा आप बताइए, तो इतने सारे फैक्ट आपको प्लीज याद कर लेना। अच्छा बताओ बर्तरान असल कि कौन सा बुक का ऑथर लिखा है, हमारे बुक में कौन सा है? द आर्टिस्ट सिगानो है। और बोलो बर्तरान असल किसने लिखा है, आप कमेंट करके बताइए, आपको बताना है। बर्तरान असल एक बुक लिखे हैं, उस बुक का नाम बताओ सभी लोग, चलिए इसको मिला दूं, बोले आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, याद कर लो, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्तरान असल ने आइडिया जो जिसने मानव जाति का कल्याण किया वो बर्तरान असल ने ही लिखा है, याद कर लेना। चलो फिर से बोलो, बोलो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव जाति, मैनकाइंड मतलब मानव जाति, वैसी आइडिया जिसने मानव जाति का कल्याण किया हो, अच्छा किया हो, उसे बोलते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसके ऑथर है बर्तरान रसल, जो कि ब्रिटेन देश से थे, जो कि मैथमेटिशियन भी थे, कमेंटेटर भी थे, फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, और उन्होंने एक बुक भी लिखा है व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं। ये तमाम बातें आपको इसके बारे में याद रखना है बच्चों, प्लीज याद करना, एक नंबर श्योर है, एग्जाम में से आएंगे पक्का, इट इज 100% श्योर, क्लियर? यस सर। डन, चलिए याद हो गया, फिर से बोले रिविजन कीजिए, कौन देश से थे बर्तरान असल? ब्रिटेन देश के। क्या क्या थे, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, फिलोसफर, कमेंटेटर और मैथमेटिक्स नहीं होता है, मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स गणित जो तुम पढ़ते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो है मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन बोलो, मैथमेटिशियन यहाँ पे आइए, कम हियर, यहाँ पे आइए, बोलो फिर से बोलो, मैथमेटिशियन, 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 समवन हु स्टडीज मैथमेटिक्स एंड गिव्स द फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स दैट इज कॉल्ड मैथमेटिशियन, समझे बच्चा? समझा? चलो बोलो मैथमेटिशियन किसे कहते हैं? गणितज्ञ। ये तो उसका हिंदी बता रहे हो, कहते किसको है? बर्तरान असल को। अरे वो तो उसका मतलब है, तुम बोलो लक्ष्मी कुमारी, तुम बोलो मैथमेटिशियन किसे कहते हैं? जो नया नया सूत्र से बता और उसके उसको सारा ज्ञान हो मैथमेटिक्स। हाँ नया नया खोज करे, नया नया मैथ में रिलेशन जोड़ दे, फॉर्मूला कनेक्ट करे, नया नया आइडेंटिटी प्रूव कर दे, ठीक है, जो नया नया कुछ करे, जैसे थेल्स, जैसे पाइथागोरस, जैसे थेल्स पाइथागोरस, फिर बात करते हैं जित बहुत सारे थे वो क्या थे, मैथमेटिशियन, थेल्स हुए हैं, पाइथागोरस हुए हैं, फिर बात करते हैं चलिए बहुत सारे हिस्टोरियन हुए हैं, ठीक है ना, यूक्लिड हुआ है, ठीक है, आर्यभट्ट हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो बेहिचक डिसलाइक करो, रीजन जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया, ठीक है, इफ यू गिव मी द रीजन, इफ यू गिव मी द फीडबैक देन आई विल इम्प्रूव दिस, मैं इसे इम्प्रूव करूंगा और सुधारूंगा कि आप अगर आप रियल फीडबैक देते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिएगा, इसके लिए आप पे कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यही था हमारा अभी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।